प्रधानमंत्री ने नमो नव मतदाता सम्मेलन का किया शुभारंभ, कहा अगले 25 वर्षों में युवाओं पर विकसित भारत की जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान का किया शुभारंभ, कहा भारत जल्द बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देश भर में मनाया गया 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, युवाओं में चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता और चुनावी जागरूकता लाना है कार्यक्रम का उद्देश्य। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का किया दौरा, बुलंदशहर को 19,100 करोड़ से अधिक की दी सौगात। हांगकांग को पीछे छोड़ भारतीय शेयर बाजार, पूंजीकरण के आधार पर बना दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार। इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ब्लूमबर्ग के अनुसार भारतीय एक्सचेंज में शेयरों का पूंजीकरण हुआ 43 खरब 30 अरब डॉलर। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त, सरकार के सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के गोलकुंडा में ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा 11वीं शताब्दी में बना गोलकुंडा किला आधुनिकता, प्रौद्योगिकी व इतिहास का एक अनूठा प्रतीक। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बने डबल्स में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। इससे पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा भी हासिल कर चुके हैं उपलब्धि। राजधानी में ठंड ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत।